तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड हमारे चैनल पे एक बार स्वागत है आपका। तो फ्रेंड जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में बात करने वाले हैं। थंबनेल से तो आपको पता चल गया होगा कि यानी किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड जैसा कि अभी हम रिसेंटली एक इंटरव्यू में गए थे अटेंड करने के लिए 9 तारीख को, इसी 9 तारीख को, तो हमसे पूछा गया था यानी स्टार डेल्टा स्टार्टर उसमें 2 टाइमर क्यों लगा रहता है, 2 टाइमर का कंट्रोल सर्किट बना के दिखाइए। तो फ्रेंड मैं उनको बोला था कि यानी जब सर किसी भी स्टार डेल्टा स्टार्टर में 2 टाइमर लगा रहता है तो वहां पे 2 सिलेक्टर स्विच भी लगा रहेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। एंड उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं कि यानी स्टार डेल्टा स्टार्टर हम यहाँ पे ओनली कंट्रोल वायरिंग बनाएंगे। पावर वायरिंग तो आप जानते होंगे जो कि बिल्कुल सिंपल रहता है, चाहे ऑटो में हो चाहे मैनुअल में हो, जो पावर वायरिंग रहता है बिल्कुल सिंपल रहता है। तो पहले फ्रेंड हम यहाँ पे उसका कंट्रोल वायरिंग बना लेते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। फ्रेंड ये कंट्रोल वायरिंग हमने बना के रेडी कर दिया, नीचे से न्यूट्रल का ये हमने यहाँ पे ये न्यूट्रल हो गया और यहाँ पे ये फेज हो गया। तो फेज न्यूट्रल को हमने यहाँ पे येलो कलर से दिखाया हुआ है और फेज को हमने क्या किया है रेड कलर से दिखाया हुआ है और बीच में वायरिंग है। तो फ्रेंड ये हमारा कंट्रोल सर्किट बन के रेडी हो गया। अब हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड हमारा एसी सप्लाई इधर से चालू होता है, एसी सप्लाई इधर से चालू होता है, जैसे हम क्या करते हैं एक एमसीबी लगा रहता है सिंगल पोल की, आप देखे भी होंगे कि एक सिंगल पोल की एमसीबी लगी रहती है। तो जैसे हम एमसीबी को ऑन करेंगे तो ये वाला जो इमरजेंसी पुश बटन है कहाँ से है, रिमोट से, यानी जो ऑपरेटर है या तो फील्ड से यानी प्लांट्स के साइड से जो इमरजेंसी लगा रहता है तो वहाँ का है ये, ठीक है। और यह कहाँ का है, ये पैनल का है। तो ये दोनों इमरजेंसी आपको मैं दिखा दिया, आप चाहे तो इसकी भी कर सकते हैं बनाते समय, एक ही दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है और दोनों दिखा देंगे तो भी जानकारी होनी चाहिए। तो फ्रेंड ये जो अपना पैनल का है, पैनल का जो एनसी रहता है यानी इमरजेंसी पुश बटन रहता है, उसका जो आउटपुट रहेगा ये सेलेक्टर स्विच वन में आएगा। ये जो SSR लिखा हुआ यानी सेलेक्टर स्विच वन है। तो जो सेलेक्टर स्विच वन है, अभी हम जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है जिसमें 2 टाइमर लगा रहता है तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे जब 2 स्टार डेल्टा स्टार्टर जो लगा रहेगा उसमें 2 टाइमर लगा रहेगा तो उसमें 2 सेलेक्टर स्विच लगा रहेगा। देखिए पहला सेलेक्टर स्विच ये रहा, दूसरा सेलेक्टर स्विच ये रहा, ठीक है। और बाकी स्टार डेल्टा कॉन्टेक्टर मेन सेम वही रहेगा। देखिए यहाँ पे टाइमर वन किसके लिए है, ये इसका है ऑटो के लिए रहता है और ये जो स्टार डेल्टा टाइमर है अपना इसके लिए लगा रहता है, इसलिए इसके अंदर 2 टाइमर लगा रहता है। तो ये टाइमर वन की अभी हम बात करते हैं और टाइमर टू की भी बात कर लेते हैं, दोनों को हम बात कर लेते हैं। तो इसकी वायरिंग को हम यहाँ तक आए थे यानी देखते देखते कि यानी जो हमारा पैनल का एनसी है उसका आउटपुट कहाँ पे जाएगा, सेलेक्टर स्विच वन में जाएगा। तो जो पहला सेलेक्टर स्विच वन रहेगा ये कहाँ का रहेगा, यानी लोकल और रिमोट रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोकल की बात नहीं करते हैं, रिमोट की बात करते हैं। इसको हमने क्या किया, रिमोट में घुमा दिया, रिमोट में घुमा दिया तो ये वाला पावर यहाँ तक आ गया, यानी सेलेक्टर स्विच जो दूसरा नंबर का सेलेक्टर स्विच है वहां पे आ गया। अब यहां पे भी 2 ऑप्शन रहता है, एक मैनुअल रहता है एक ऑटो रहता है, यहीं पे आके पूरा काम होता है। एक मैनुअल रहता है एक ऑटो रहता है। तो मैनुअल पे अभी हम बात कर लेते हैं। ऑटो के तो आपको बस ये टाइमर लगा रहता है उसका एनो टाइमर, तो आप जानते हैं कि टाइमर में 2 ऑप्शन रहता है, एक एनो रहता है एक एनसी रहता है। तो अभी हम मैनुअल यानी ये जो यहां से पावर आ गया यहां तक सेलेक्टर स्विच को हमने क्या किया, मैनुअल में रख दिया है। तो मैनुअल में रख दिया तो ये पावर यहां तक आ गया, ठीक है। ये पावर यहां तक आ गया, यहां तक आकर होल्ड हुआ है। तो ये वाला जो पुश बटन है, ये वाला पुश बटन हम कहाँ से दिखा, ये वाला पुश बटन को जो फील्ड से ऑपरेट करते हैं। देखिए हमारा क्या है, एक एनसी रहता है, मान लीजिए एक एनसी इधर हो गया और एक एनओ हो गया, ठीक है, एक एन हो गया। तो यहाँ से एक वायर इधर गया, फिर यहीं से एक वायर यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ से घूमते 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 यहाँ तक आ गया, ये वायर पे पावर यहाँ तक आ गया, फिर यहीं से एक वायर इसमें चला जाएगा और यहाँ इसका जो आउटपुट है एक वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो बस ये इसी को सीरीज में बस घुमाया रहता है और बाकी कुछ नहीं रहता है। 1 से 2 बार आप देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी को रहता है, तो इसलिए मैं इसको रिमोट यानी फील्ड से जो ऑपरेट करते हैं वही है। और बाकी ये जो दिख रहा है आपको स्टार्ट पुश बटन, ये कहाँ का है, अपना पैनल का है। पैनल पे भी क्या रहता है, पुश बटन चेक करने के लिए लगाया जाता है। जब आप कमीशनिंग करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर का चाहे पैनल का, तो उसमें आपको पता हो जाएगा। तो ये यानी पुश बटन अपना यहाँ का हो गया, पैनल का हो गया। ये जो MNO यानी जो मेन कॉन्टेक्टर है, इसका NO इस्तेमाल किया हुआ है होल्डिंग के लिए।
तो यहाँ तक आ गया। अब जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये वाला पावर यहाँ तक आ गया तो ये टाइमर में भी आ जाएगा, तो टाइमर ऑन हो जाएगा। अभी हम मैनुअल की बात कर रहे हैं, ऑटो की बात नहीं कर रहे हैं, मैनुअल की बात कर रहे हैं। तो ये वाला टाइमर ऑन हो जाएगा, तो टाइमर में दो ऑप्शन रहता है, एक NO रहता है एक NC रहता है। तो जब उसको टाइमर को पावर देते हैं तो पहले NC निकलता है, फिर 10 सेकेंड या 5 सेकेंड या 20 सेकेंड जो भी हमारे टाइमिंग उसमें सेट किए रहते हैं, यानी मान लीजिए अपना जो मोटर 75 से 80% तक स्पीड पे चली जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है ये टाइमर में जो टाइमिंग सेट किया रहता है तो NO का NC यानी NO का NC हो जाता है। तो पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो मेन और स्टार चलता है, जब 10 सेकंड का टाइमिंग चेंज किए रहेंगे तो उसके बाद क्या हो जाता है NO यानी डेल्टा और मेन चलने लगता है। तो जैसे टाइमर का NC हम टाइमर का NC से टाइमर के NC से डेल्टा के NC से कौन होगा ऑन यानी स्टार होगा, और टाइमर का NO जब 10 सेकंड के बाद ये मतलब डेल्टा में आएगा तो टाइमर का NO और स्टार का NC से ये क्या हो जाएगा डेल्टा पिकअप हो जाएगा और इसका होल्डिंग के लिए हो गया। तब ये तो रहा मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, आप इसको बनाते भी होंगे जानते भी होंगे, तो ये मैनुअल की बात रहा। अब हम बात करते हैं कि यानी जो टाइमर जो लगा हुआ है दो टाइमर क्यों लगा रहता है, तो एक टाइमर का तो पता हो गया कि यानी ये लगा हुआ है, अब हम दूसरे टाइमर की बात कर लेते हैं। तो दूसरे टाइमर के लिए हमको ये वाला जो सिलेक्टर स्विच है इसको ऑटो में सेलेक्ट करना रहेगा तभी ये काम करेगा वरना नहीं काम करेगा। तो जब ये टाइमर को जैसे ही सिलेक्टर स्विच यानी मैनुअल में से ऑटो में सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला पावर यहाँ पे आ गया, और इधर से न्यूट्रल देखिए इधर से सबको हम न्यूट्रल दिए हुए हैं। तो जैसे ही हम क्या करेंगे ये वाला सिलेक्टर स्विच को ऑटो में सेट कर देंगे तो ये वाला पावर यहाँ तक आ गया, तो इसी पावर का NO इस्तेमाल किया हुआ है। देखिए ये इसमें पावर में आएगा तो NO का NC होगा ही होगा, तो NC से NO होता है तो इसका NO इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पे, देखिए टाइमर वन का NO इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे ही इसमें पावर आ जाएगा तो इसका NO का NC हो जाएगा, तो ये पावर इधर से होते हुए आ जाएगा और ऑटोमेटिक ये चालू हो जाएगा, यानी इस यहाँ से देखिए चालू हो जाएगा। और फ्रेंड क्रॉस क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये होल्डिंग कैसे होगा, ये होल्डिंग कैसे होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल इसके लिए जो मैनुअल रहता है मैनुअल के लिए तो हम यहाँ पे NO का इस्तेमाल कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो टाइमर है टाइमर्स के NO से इसको कंटिन्यू पावर मिलता रहता है। यहाँ पे क्या होता है मैनुअल में क्या होता है, एक बार हमें इसको पुश करके छोड़ देते हैं तो ये क्या है ये जो NC पुश बटन है अपने पोजिशन में आ जाता है, तो इसको पावर इसके NO से होते हुए इसको मिलने लगता है तो ये होल्डिंग हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये टाइमर का NO से होते हुए इसको कंटिन्यू NO है तो यहाँ से जैसे ही आएगा पावर तो NC हो जाएगा, तो इसको कंटिन्यू पावर मिलता रहेगा और यहीं से इधर भी कंटिन्यू पावर मिलता रहेगा, जिससे क्या हो जाएगा ये चलता रहेगा, ठीक है। और फ्रेंड ये न्यूट्रल सबका नीचे से है। और फ्रेंड ऑन ऑफ इंडिकेशन का भी हमसे पूछा था कि ऑन ऑफ इंडिकेशन का कैसे लगाते हैं, तो कुछ नहीं करना है, जैसे आप लगाते हैं सिंपल अपना जो जनरल अपना स्टार्टर में ऑन का इंडिकेशन ऑफ का इंडिकेशन ट्रिप का इंडिकेशन लगाते हैं वैसे ही लगाते हैं। तो फ्रेंड ये रहा कंट्रोल वायरिंग डायग्राम जो अपना स्टार डेल्टा स्टार्टर में दो टाइमर क्यों लगाते हैं, यानी आपको मैं समझा दिया। फ्रेंड बहुत से क्वेश्चन हमसे पूछा गया था जैसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस के बारे में, VCV का मेंटेनेंस कैसे करते हैं, मोटर का मेंटेनेंस कैसे करते हैं, एयर सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस कैसे करते हैं, DB के यानी जितने भी PCC का है उसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं, इन सबके बारे में बात करने वाले हैं, सबके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।